मुझे रोना आ गया उनको देख के। इनका बहुत ही ज्यादा प्यारा सॉन्ग जो मेरे आउट्रो में आप सुनते हो। रांची की सड़कों में ऑटो में बैठकर हम जा रहे हैं न्यूक्लियस मॉल। अभी अपन है डंगरा टोली चौक में, यहाँ से अपन जा रहे हैं न्यूक्लियस मॉल। न्यूक्लियस मॉल जो कि क्या बोले, रील में काफी ज्यादा दिख जाता है, तो वहीं अपन जा रहे हैं। अपन जूस पीने आ रहे हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए थोड़ी। न्यूक्लियस मॉल के जस्ट सामने हम पी लेते हैं जूस। जूस पीने के बाद रास्ते में हमें मेहंदी आर्टिस्ट नजर आते हैं। मेहंदी लगवाना है, टैटू बनवाना है, ये देखो टैटू वाले भी, टैटू बनवाना है। सपोर्ट करेंगे लेकिन मोहब्बत टू वे होती है। अपन न्यूक्लियस मॉल फाइनली आ चुके हैं और ये रही छोटी सी बच्ची। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता, मतलब आरशी ने बहुत बार देखा है रील्स में, और मतलब यहाँ के जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है ना, वो रील्स बनाते हैं यहाँ पे। तो तुम कब बनाओ? हमें छाप पे रील्स बनाना चाहोगी? नहीं, भारी दुख, दर्द, भारी बैग और भारी दुख। तब इसको ऐसी पकड़ के घूमे, ऐसी पकड़ के घूमो तुम। देखो बिग बॉस वाली वाइब नहीं आ रही यहाँ पे ऐसे जाके, यू नो बिग बॉस वाली वाइब आई। इसको लग रहा है कि यहाँ पे जाके लेट सकते हैं। मनीषा यही देखती थी तुम लाइफ में। आरशी के फोन के लिए न्यू कवर लिया है, देखो ब्लैक में क्या सेक्सी लग रहा है। अलविदा न्यूक्लियस मॉल। मॉल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हम सोचने लगे कि न्यूक्लियस मॉल का नाम न्यूक्लियस क्यों रखा गया। किसी को अगर पता है तो फिर कमेंट में बताना। हेलो, कैसे हैं आप? जोहार जोहार जोहार। इंट्रो तो करवाओ। इनका बहुत ही ज्यादा प्यारा सॉन्ग जो मेरे आउट्रो में आप सुनते हो, वो इन्हीं की देन है, मतलब ये इनकी टीम की देन है पूरी। तो कल अपन वहाँ गए थे, क्या बोलते हैं, एक्सपो। ये उसी दिन के बाद है जब हम रांची में अपना पहला कदम रखते हैं, मीटअप भी कर लेते हैं और उसी रात हम एक्सपो मेला घूमने आ जाते हैं। गोरी के नजरों से होलो दीवाना रे। ये लकी ड्रॉ के लिए है, अगर हम जीतते हैं तो हमें कुछ मिलेगा। ओह, तो इसे हमें संभाल के रखना है, लकी ड्रॉ है। ये गाड़ी ले लूं क्या मैं? कितने का आएगा? कितने का आएगा? मैं बिक जाऊंगी तो मिलेगा मुझे गाड़ी? हाँ, बस तुम्हें अपना एक किडनी, एक लीवर, सब ये दोनों चीज बेचना पड़ेगा। सॉरी गाइस, कट। सब चीज का अलग अलग एरिया है, जैसे ये पूरा गाड़ी वाला एरिया है। हाँ, और उधर फर्नीचर लिखा है। काफी बड़ा मेला है, एक्सपो उत्सव। गाड़ी वाड़ी तो अपन को लेना नहीं है, इतना अपन कमाते नहीं है अभी। एक अडॉप्ट कर लीजिए, मुझे रोना आ गया उनको देख के। इसको तो तुरंत रोना आ जाता है यार, देखो इसके तुरंत आंसू आ रहे हैं। पपीस को देख के रोना आ गया इसके। स्थैटिक साड़ी कलेक्शन देखने के साथ साथ हमें टी शर्ट कलेक्शन भी दिखता है एनिमे कैरेक्टर्स का, लेकिन हमें तेज भूख लगी थी, लेकिन हम फूड कोर्ट से नहीं खाते, वहाँ से निकल जाते हैं। हील्स में इसको बिल्कुल चलने नहीं आता। गाइस, आज तो रिकॉर्ड टूट गया, 8318 स्टेप्स चला है मैंने। गुड जॉब। थक गई है, उंटे में बैठी है। मेले के कारण ही ट्रैफिक हो रहा है मोस्टली। तो गाइस, ये पीछे लालपुर चौक की बहुत सुंदर लग रहा है, फूले फूल से भरा हुआ है। हम पीने आए हैं जूस, क्योंकि सुबह से हमने कुछ पिया नहीं है, खाया नहीं है, भूख लग रही है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्ट्रीट में चल के। Cheers. गाइस, हालत खराब हो चुकी है, बट फिर भी हमें खाना खाने तो कहीं जाना ही पड़ेगा, क्योंकि खाए वाए तो है नहीं। अपन स्ट्रीट में निकल गए हैं कुछ खाने की खोज में है कि हमें कुछ मिले, हमें भूख लगी है, हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है दोस्तों। लेट्स सी हमें कुछ मिल जाता है, भोजनालय वगैरह। तो अच्छा लग रहा है ऐसे वॉक करके ना, चलने में। रांची की सड़कों में छत्तीसगढ़ के दो निवासी, और हमें मिलता है एक होटल जहाँ पे हम खाते हैं चिकन और राइस, जो कि वाकई में काफी डिलीशियस होता है। मेरी एज है 22 और मेरी एज है 23। किस एंगल से ये 23 की लगती है? इस एंगल से। ये चुटकुल हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ हम साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, यू नो, वरना हमारे हम दोनों नहीं, ग्रुप में हमने ट्रेवल करा है, बट फर्स्ट टाइम वी आर ट्रेवलिंग टुगेदर। वाओ, अच्छा एक्सपीरियंस है। देखो मौसम भी अच्छा हो रखा है, अच्छा लग रहा है,
होपफुली ऐसे सिलसिला चलता रहे। हम ना खाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। हम झारखंड के स्ट्रीट में खा रहे हैं, झारखंड और रांची के स्ट्रीट रोड में खा रहे हैं। बहुत ज्यादा यम्मी लग रहा है और हम हैं अभी लालपुर चौक के सामने। हम एक्चुअली लालपुर चौक के आसपास इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमारा रूम पासी में है और यहाँ से हमको पैदल आने जाने में यही सुविधा पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पैदल घूम रहे हैं। सो गाइज अभी हमें ऑटो वाले भैया बोल रहे हैं कुकर जाना है, कुकर हमें समझ ही नहीं आ रहा है। और कुकर एक प्लेस का नाम है यहाँ पे, हमें समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोल रहे हैं, कुकर कुकर बोल रहे हैं, कुकर जाना है। तो हमने बोला नहीं, अपन बोल रहे हैं हैं। वाओ नाइस नेम। ये ऑलमोस्ट 10 बज गया और अभी भी मार्केट्स लगे। द नेक्स्ट डे तो अभी क्या प्लान है, कहाँ घुमा रहे हो? तो लंच कर लेते हैं। हाँ तो गाइस अपन ने लंच नहीं किया है तो वही लंच करने जाते हैं पहले। मेहमान नवाजी थोड़ा हो जाए, तो आ चुके हैं रांची तो थोड़ा लंच। हेलमेट बहुत अच्छा, दोनों के लिए हेलमेट भी है। वाओ अच्छा, यहाँ चलान दो मतलब दोनों में हेलमेट जरूरी है यहाँ भाई साहब, बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब छत्तीसगढ़ में इतना दिक्कत नहीं है इस चीज का। अच्छा हाँ, इसके तुम्हारे तो ज्यादा सब्सक्राइबर झारखंड के हैं, इसलिए यहाँ से कमेंट आते हैं। हाँ हेलमेट लगाओ, हेलमेट। रांची में अपन स्कूटी में हेलमेट पहन के पहली बार घूमते हुए। रांची शहर बहुत सुंदर है और यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं। हमें हेलमेट प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूटी प्रोवाइड कर रहे हैं यार, ओह माय गॉड, बहुत बड़ा दिल है आप लोग का पता है। थैंक यू सो मच। एक गोरी की टीम वालों को सबको धन्यवाद, काश हम सबको मिल पाते। चलो चलो पीछा करो यार, भूल ना जाए। गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने अड्डे पे जहाँ पे हमको करना है पेट पूजा। कैसे बताबो रे कैसे झारखंड आए हैं, तब से अपन को जितने भी लोग मिले हैं तब सारे मतलब एकदम स्वीट यार, काफी ज्यादा अच्छा प्लेस है। वाइड एंगल में भी दिखा दिया जाए। सो गाइस इतना अच्छा ट्रीट मिल रहा है हमें झारखंड आके, मतलब कितने जितने भी अपन को लोग मिले हैं सब बहुत ही ज्यादा डिसेंट और हम्बल हैं, प्यारे हैं। सो गाइस हमें पता नहीं था इतने अच्छे प्लेस पे लेकर आएंगे, हम तो सोचे थे जैसे रोड साइड कुछ खा लेंगे यार। थैंक यू सो मच, आप लोग का इतना ज्यादा प्यार है, जब से हम यहाँ हैं आप तब से हमें बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे हो। थैंक यू सो मच झारखंड वासियों, बहुत सारा प्यार अपन के लिए। बस ये प्याज नींबू और मिर्च आ गया है और ये अचार, और इसका कपन करे क्या। प्याज नींबू अचार तो उन्होंने दे दिया, हमारे मुंह में पानी आ रहा था और हम आस लगाए हुए बैठे हैं कि कब हमारा डिश आएगा और फाइनली आ जाता है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी लग रहा था, मुर्ग मसल्लम खा के बहुत टेस्टी लगा, सब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फिर हम सब चले जाते हैं घूमने, जो कि आपको पिछले व्लॉग में देखने को मिल गया है। 89 से जाने का टाइम आ चुका है दोस्तों, शहीद हो जाएंगे, गोली पड़ेगा गोली पड़ेगा सीधा आर्मी वालों से। रांची के शांति वाले इलाके से वापस से अपन रांची के एकदम ट्रैफिक वाले मतलब भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जा रहे हैं। बस अपनी 8 बजे, अभी तक 6 ही बजा है, तो फिर अपने पास काफी ज्यादा टाइम है। इतनी ज्यादा ठंडी है लगती है ना बस में भी, आज हमारा आज ही का रिटर्न है तो बस में बहुत ठंडी लगती है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि चद्दर या कंबल ले जाएं, तो फिर बस इसलिए हम आ गए हैं शॉप में। आते टाइम बहुत ठंड लगी, बहुत ठंड लगी थी यार, और जाते समय भी डेफिनेटली ठंड लगेगी क्योंकि अभी ही ठंड लग रही है। शाम का टाइम ऑलमोस्ट हो गया था तो हम चले जाते हैं चाय पीने। बस हमारी थी 8 बजे और अभी भी काफी टाइम बचा हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि हम वहीं पे थोड़ी देर टाइम पास कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद हमने जूस पी लिया क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग में कुछ खाना पसंद नहीं। देखो हमारा सामान यहाँ पे इकट्ठा हो गया, अपन यहाँ पे सर्कल बना के बैठे हैं ताकि हमारा हेलमेट पार ना हो जाए क्योंकि यहाँ पे हेलमेट का बहुत मारा मारी है। गोरी के नजरों से बोलो दीवाना रे, चाहो ना तो के गोरी कैसे बता। आउट्रो सुनना ओके, एंड थैंक यू सो मच सैमवेल जॉय एंड टीम एवरीवन। बस स्टैंड आ गए, रायपुर वापस जाने का टाइम आ चुका है। रांची बस स्टैंड में आपका स्वागत है। ऑन था क्या कैमरा? गड़बड़ हो गई, अपन दूसरे जगह पे आ गए थे, स्टॉप नंबर 12, तो इसीलिए भाई आप लोग भी नए जगह पे जाओ तो फिर थोड़ा जल्दी जाओ, ऐसा नहीं कि एकदम एंड टाइम पे जा रहे हो और फिर खोजते रह जाओगे बस छूट जाएगी। अपन काफी पहले आए हैं तो फिर इसलिए अपन को फायदा हो रहा है। हमारे लिए लोग इतना परेशान हो रहे हैं, हमें यहाँ तक छोड़ने आ गए हैं,
मैं तो कितनी बार थैंक्स बोलूं। ये देखो कुछ कुछ ले ही रहे हैं, ऊपर में ये भी मिलता, रूम से मिलता है ना पूरा रूम। तो अगले बार यहीं सो जाएंगे यार आके अपन। हमको भी नहीं पता था ना। चलो चलते हैं, अपन को वो टावर के पास जाना है। मुझे मिला ये और हमें ये छोड़ने आए, लेने आए, घुमाए, लंच कराए। यस, हम आज का डे हमारा मतलब पूरा इन्हीं के साथ था। हाँ। तो उसके लिए बहुत बहुत आगे की बात है हमारे लिए। धन्यवाद। आप भी छत्तीसगढ़ रायपुर आए तो फिर हम भी आपका मेहमान नवाजी करेंगे। मौका मिलते ही दौड़ के आएंगे। हमारी बस लग चुकी है और we are ready to go. And अपन जा रहे हैं वापस रायपुर। थैंक यू झारखंड, थैंक यू रांची, थैंक यू सबको जो भी मीटअप में आए एंड जो अलग से हमसे मिलने भी आए, सब सभी को थैंक यू। आपने इतना टाइम दिया एंड हमको इतना स्पेशल फील कराया, राइट? बहुत फर्स्ट टाइम अपन आए, बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस वे सुबह होते ही जब हमने देखा तो हम ऑलरेडी छत्तीसगढ़ पहुंच चुके थे। दो दिन का ट्रिप हमारा काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी मज़ेदार था। सुबह की पहली किरण के साथ साथ मैं आप लोग के कमेंट्स का रिप्लाई भी कर रही हूँ। इन दो दिनों में आप जितने भी लोगों ने हमें टाइम दिया, हमारी इतनी केयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और इसी के साथ रायपुर छत्तीसगढ़ में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। जोहार, जय जोहार। सेफली लैंडेड, मतलब सेफली हम पहुंच चुके हैं रायपुर छत्तीसगढ़। बहुत अच्छा सफर रहा एंड थैंक यू एवरीवन। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। लाइक करके जरूर जाना और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा। बाय बाय।